नमस्ते बच्चों, आज हम अपने मैथ्स टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 निकालेंगे। बच्चों पेज नंबर 16 पे क्या है, अंडरस्टैंड एंड राइट 9। हाँ, मीन्स हमें 9 नंबर्स आज रीड और अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड एंड राइट 9। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी ट्रेन का हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर देयर, ये पिक्चर में ही आपको सब समझ जाएगा कि कितने नंबर्स हैं। आप लोग काउंट कर सकते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 9 कंपार्टमेंट्स इन अ ट्रेन। हाँ, सो यहाँ पर ये नंबर 9 आज हम लोग को पढ़ना है। तो दिस इज़ नंबर 9। स्पेलिंग ऑफ नंबर 9 इज NINE 9। हाँ, 8 and 1 make 9। 8 नंबर पे हम लोग ने लास्ट पेज पे क्या 8 नंबर रीड किया ना, अब ये नेक्स्ट हमारा है नंबर 9। मीन्स एक हाथ की 5 फिंगर्स और सेकेंड हैंड की 4 फिंगर्स मेक्स 9। 8 and 1 makes 9। 8 and 1 makes 9। तो वैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये स्नेल है। स्नेल मालूम है ना आप, ये पानी में पाए जाते हैं, बरसात में भी देखो निकलते हैं, ये स्नेल है। अब इन स्नेल्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी आर देयर, 9 स्नेल्स आर देयर। लाइक दैट ओनली यहाँ पे कैप्स है, कैप्स जो हम लोग लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर ऑल्सो 9। सो वी हैव टू रीड 9 नंबर्स ओनली। तो यहाँ पे 9 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, स्नेल एंड कैप, एंड हियर वी हैव टू ड्रॉ 9 बीड्स। अंडरस्टूड ना, 9 बीड्स हाउ टू ड्रॉ, जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम सब किया है। देन वी हैव टू मेक 9 बॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 and last is 9। हाँ, लाइक दैट ओनली वी हैव टू ड्रॉ 9 बीड्स, ओके। हाँ, अब दिस इज नंबर 9। 9 9 9, द क्लॉक स्ट्रक 9, ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ लाइन। ये क्या है, 9 9 9, द क्लॉक स्ट्रक 9, यानी क्लॉक में क्लॉक की सुई भी कहाँ पे अटक गई है, 9 पे। ऑल द चिल्ड्रेन, सभी बच्चों स्टैंड इन अ लाइन। हाँ बच्चे, लाइन में खड़े हो जाए, एक स्लोगन टाइप रहता है, इसलिए इसको हमें खाली रीडिंग करना रहता है और ऐसे ही बोलना रहता है, ठीक है। तो दिस इज नंबर 9 9 9, द क्लॉक स्ट्रक 9, ऑल द चिल्ड्रेन स्टैंड इन अ लाइन। ओके, नाउ हियर स्ट्रिंग इज गिवेन। हाँ, स्ट्रिंग दिया गया है, प्लेस द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट 9 ऑब्जेक्ट्स विल बी इन इट्स लूप। हाँ, 9 ऑब्जेक्ट्स को हमें यहाँ पर कवर करना है इस स्ट्रिंग से। नाउ दीज आर पेंसिल्स, पेंसिल्स है ना, यू नो ना पेंसिल्स, एवरीवन हैज़ हैविंग पेंसिल्स, घर में सबके पास है। सो काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड वी हैव टू कवर ओनली 9, ओके। तो यानी 9 में से हमको एक ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, नहीं तो 10 हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग को ओनली 1 वी हैव टू लीव। सो यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐसे प्लेस करो कि आपका एक को छोड़ के बाकी सब ऑब्जेक्ट इस लूप के अंदर आ जाए। सो नाउ दीज आर इरेजर्स, इरेजर्स यू नो रबड़, हाँ इरेजर आप लोग को पता है ना, तो ये इरेजर्स है। चलो नाउ काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। यहाँ पे 11 ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड वी हैव टू कवर ओनली 9। सो कितना हमको लीव करना है, 9 हमको सिर्फ लेना है। यानी ऐसा करो कि उसमें से जो बाहर रहता है वो बाहर रहने दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी हमें ऐसे लेना है कि इसमें से 9 ही कवर हो, ये 10 और ये 11 आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है नंबर 9। नंबर 9 को हमें ट्रेसिंग करना है बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट 8 नंबर्स को भी ऐसे ही किया है, ओके। तो ये है नंबर 9। नंबर 9 वी हैव टू ट्रेस,
और यहाँ पर नंबर 9 हम लोग ऐसे लिखेंगे। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। हाँ, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। हम लोग अगले पीरियड में अपने मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। और ये एक बात और रह गई है कि ये जो नंबर्स के स्पेलिंग्स है वो आप लोग को लिखना भी है, याद भी करना है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर यहीं ओवर हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।